आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे जो इस पूरे नाम की जो कला है, नाम क्यों रखा जाना चाहिए, सरनेम में क्या रखा है, इस पर चर्चा करेंगे। एस्ट्रो अगम का स्वागत है सर। नमस्कार जी। प्रणाम प्रणाम सर। अमूमन हम देखते हैं नाम को लेकर के लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं जी। सरनेम को देखा जाता है, आपकी राशि में कुछ बदलाव है तो उसको देखा जाता है, क्या कहना है इस पूरे? देखिए, सरनेम की अगर हम बात करते हैं, सरनेम को परिवर्तित करने की, सरनेम को बदलने की, सबसे पहले ये किसी ज़माने की बातें हैं जब लड़कियों के शादी होने के जज्बात में पति का नाम जो सरनेम उनके साथ में आ जाया करता था। हालांकि उनको उस वक्त कुछ करने की इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं हुआ करती थी कि वो ठीक है चूल्हे चौके तक ही सीमित रहा करती थी। लेकिन आजकल लड़कियां बहुत कहीं ना कहीं पुरुषों के बिल्कुल बराबर हैं, कई फील्ड में बहुत आगे भी हैं। तो आज सरनेम चेंज करने का जो ट्रेंड है उसका संबंध मैं ज्योतिष के साथ में बहुत अच्छे से मानता हूँ, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक नाम से होता था कि भाई ठीक है ये इनकी वाइफ है तो इनके साथ में इनका सरनेम लग गया है। लेकिन आज अगर हम सरनेम की बात करते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अकॉर्डिंग आपके शब्दों में टोटल आपके नाम में और आपके सरनेम में कितने अक्षर हैं उसके हिसाब से हम आपका करियर या हम आपके लिए आगे आप किस हाइट पर जाने वाले ये सारा का सारा डिसाइड करते हैं। तो कभी कभी पति का सरनेम लगाना और कभी कभी खुद का सरनेम लगाना, इन दोनों में आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप सरनेम चेंज करना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं मुझे सरनेम चेंज करना चाहिए, या दूसरे तरीके से कहें कि मैं क्यों सरनेम चेंज करूं, क्या मेरी शादी होगी तो मेरी आइडेंटिटी थोड़ी खत्म हो गई, आजकल की क्वालिफाइड लड़कियां कहती हैं, मैं सहमत हूं इस बात के साथ में। लेकिन आपको शादी होने के जस्ट बाद में ये चीज पता कर लेनी चाहिए कि अगर मैं अपने पति का सरनेम अपने साथ इस्तेमाल करती हूं तो मेरी ग्रोथ किस लेवल पर है, और अगर मैं अपना ओन सरनेम करती हूं तो मेरा जो है वो लेवल, मेरा ग्राफ कहां तक जाने वाला। इस ग्राफ को एनालाइज करने के बाद हमें सरनेम में परिवर्तन करना चाहिए अगर रिक्वायर्ड हो तो, अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। सर यहाँ एक नोट करने वाली बात है, हमेशा कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो नाम के अंदर एक अक्षर को जोड़ दिया जाता है या एक अक्षर को कम कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है। क्या कहना है, क्योंकि प्रोफेशन के हिसाब से ये ट्रेंड। हाँ वही सेम वापस आता है कि आपका आपके प्रोफेशन के साथ कैलकुलेशन मैच करता है कि नहीं करता, यानी आपके नाम में जो अक्षर जितने भी अक्षर हैं उनका जब हम लोग टोटल करते हैं प्रोफेशनली, तो ये आपका प्रोफेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो कभी कभी जैसे ए है तो हम डबल ए कर देते हैं, एस है तो सी, नाम के अंदर ही एक वर्ड को हम लोग कम या ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा करने से आपका जो वर्ड का जो वजन होता है, एक्चुअली हर बात में एक वजन होता है सर, अगर आप उस शब्द का वजन अगर आप किसी चीज़ पर रखते हैं कि मेरा ये प्रोफेशन है और इस पर मैंने ये वजन रखा, यानी मैं अपने उसमें निपुणता आ जाती है, तो एक वर्ड के जोड़ने से आपके उसमें आपके शब्द में आपके नाम में निपुणता आ जाती है, उसी के हिसाब से फिर वो हस्ताक्षर भी जो है वो लोग करना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होता ही है। तो अब जब बात चली है तो स्त्री कौन सी राशि की स्त्री है वो इस नाम को बदले, और कौन सी राशि की स्त्री को नाम नहीं बदलना चाहिए? अगर हम बात सही कोई स्त्री पे ही, क्योंकि लागू हमेशा स्त्री पे ही होता है, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस कानून कायदे सब के सब स्त्रियों के ऊपर लागू हो जाते हैं। इसलिए सरनेम भी जो है वो स्त्रियों का ही चेंज किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी लड़की ने जिससे अपने हस्बैंड से शादी की तो उसके हस्बैंड ने उस लड़की का सरनेम लगाया, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर बात है कि कौन स्त्री इसको जो है सरनेम को लगाया किसको हटा, ऐसा वो नहीं कहना चाहिए। ऐसा मतलब इसको जो है एक तरीके से हम इस पर एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि जो अपनी फील्ड में है, आप कोई प्रोफेशन है आपका और आप अपनी ठीक है आपने शादीशुदा जिंदगी है, आपको अपनी गृहस्थी संभालनी, तो आप चाहे नाम सरनेम चेंज करें या ना करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको लगता है कि मुझे मेरे प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए, तो आपको आपका सरनेम या आपके पति का सरनेम इन दोनों में से आपके नाम में कौन सा आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सूट करता है वो देखना जरूरी है। उसमें परिवर्तन कर लेने से आपकी ग्रोथ हो जाती है। अगर पुरुष इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो उसको किस तरीके से बदलाव करना पड़ेगा? जी जी, मतलब हम बात करें कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, चाहे उनका बिजनेस की ग्रोथ हो, चाहे उनकी जॉब से रिलेटेड ग्रोथ हो, उसके लिए उनके
होरोस्कोप का सबसे एक्चुअली इसके दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले उनका जन्म समय और जन्म तारीख लेने के बाद में होरोस्कोप बना लेनी चाहिए, फिर उनका जो भी लग्न का जो स्वामी होता है या जो उनका भाग्य का स्वामी होता है उन दोनों के जो अंक होते हैं उन अंक के साथ में उनका जो नाम है जो पूरा उस नाम का मैच होना आवश्यक होता है। अगर वो नहीं हो पाता है मैच ऐसी कंडीशन में उनके पास में फिनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से या किसी अच्छे जानकार से आप अपना नाम जो है उसको देख लेना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन ये है तो मेरा नाम क्या होना चाहिए। लेकिन हम कुछ नामचीन लोगों की बात करें जी, जिससे जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, फिर अभिषेक बच्चन जी, और ऐश्वर्या राय बच्चन जी, ये इस तरह के ऐसे नाम हम देखते हैं जी, तो पहले नाम उनका साधारण होता था, बाद में एक नाम बहुत प्रोफेशनली भी हो और बहुत हेवी बन जाता है। तो क्या देखिए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सिंपल सी बात है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। वो एक परिवार है, बच्चन परिवार है, तो बच्चन परिवार है तो वहां का बच्चा, वहां की बीवी, वहां के जो भी आने वाला है उस सब का सब बच्चन होने वाला है, तो वो एक अलग चीज है जिसको हम इसको ज्योतिष की भाषा में हम नहीं कर सकते। कारण सिंपल सा बताता हूं सर कि उनको किसी भी चीज की प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको फिनेंशियल क्राइसिस भी है तो किसी को पता नहीं होता है, उनकी लाइफ में कोई भी टेंशन है तो बहुत किसी एक दो लोगों को पता होता है। बिकॉज मैंने एक दिन सुना था अमिताभ बच्चन जी को कि बोलते हुए कि बहुत ज्यादा जब फिनेंशियल क्राइसिस उनके पास आ गए थे तो अंबानी जी ने कहा था उनको कि भाई आप थोड़ा सा मैं आपको कुछ फंड देता हूं आप ले लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। सो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई कर्ज दे, बिकॉज वो ही इज इनफ कैपेबल कि वो अपना कर्ज जो है खुद चुका सकते थे। तो परेशानियां सबके ऊपर आई, लेकिन उन्होंने अपना वो जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रोफेशनल जो थॉट होती है, जो प्रेशर जो होता है उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसीलिए वो अगर अपने परिवार में किसी सरनेम अगर बच्चन लगाते हैं सबके साथ में तो उनके साथ में वो कंडीशंस हमारी जो है वो लागू नहीं होती है। क्यों नहीं लागू होती है वो तो सिंपल सा, क्योंकि वो समर्थ की बात आ गई है। हम यहाँ पर एक जनरल जितने लोग हैं उन लोगों के प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने नाम में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। परिणाम की हम बात करें, कंक्लूजन की बात करें हमारे टॉपिक के हिसाब से, तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या जरूरत लगती है, नाम बदलने की जरूरत लगती है, सरनेम बदलने की जरूरत लगती है, या फिर जो राशि के हिसाब से जो नाम चला आ रहा है वो ही एक गुण होता है? जी, यहाँ पर दो फैक्टर वर्क करते हैं सर। पहला फैक्टर वर्क करता है कि अगर आपके नाम को हमें ग्रोथ चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप अपने आप को प्रूव करने की कंडीशन अगर रखते हैं, आप में जज्बा है कुछ भी कर गुजरने का, तो आपको नाम परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। नाम परिवर्तन हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको हेल्प करता है। हेल्प कब होती है? जब आप अपने लिए कुछ और बेटरमेंट के लिए सोचते हैं कि मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए, मेरे लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं जिनको मैं भुना नहीं पा रहा हूं। ऐसी कंडीशन में हमें उस नाम को परिवर्तन करने के बारे में सोचना चाहिए। वरना मैं सिकंदर का वाक्य आपको बता दूं, सिकंदर पंडित जी के पास जाते हैं कि देखिए मेरा हाथ, और बोलिए क्या मैं विश्व विजय कर सकता हूं? तो पंडित कहते हैं कि नहीं, तुम विश्व विजय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये रेखा नहीं है। उसने कहा इससे हो जाएगा कि हो जाएगा। उन्होंने उठाया पत्थर और अपने हाथ पर पूरा का पूरा हाथ काट के मुट्ठी बंद कर ली, रात भर बैठे रहे और सुबह जाके और बोलते हैं अब बोलो मेरे हाथ में देखो, मेरा हाथ देख ब्राह्मण। तो कहते हैं खून से सने हुए हाथ को देख के कहते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। सो इरादे अगर हमारे मजबूत हैं तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि अपने नाम में परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारे इरादे मजबूत हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमें नाम में परिवर्तन करने के लिए। मैंने बताया कि आप किसी अच्छे विद्वान से, अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप लोग सलाह लेके अपना नाम परिवर्तित कर सकते हैं। सर एक सवाल और जी, कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन यानी कि अपने जो कारोबार है या अपना जो कोई फील्ड है उसके हिसाब से नाम बदले या बदलाव की जरूरत लगे, क्या होना चाहिए? मैं वही आपसे कहूं कि मेरा प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन है कि मुझे बोलना है जी, अब मुझे मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। मेरा परिवार के लोग कुछ भी काम करते होंगे, मेरी राशि कोई भी हो सकती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी पर्सनल, मेरी व्यक्तिगत ग्रोथ चाहिए तो मुझे बोलना है। तो मुझे बोलने के लिए मेरे जो अक्षर हैं उनमें अगर नाम कम या ज्यादा करने हैं तो मैं आपको दूसरे तरह के उदाहरण देकर समझाता हूं। एक बंदा है जिसका कर्म है वो मांस बेचता है, एक बंदा है जिसका कर्म है कि वो मांस बेचता है। अगर आप उसे पुखराज पहना देंगे, उनकी राशि हो सकता है कि उसका संबंध गुरु के साथ हो, आप उन्हें पुखराज पहना दीजिए, बताइए पुखराज किस काम का उनके लिए? उस पुखराज का उनके साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि उनका संबंध है मांस बेचने के साथ। तो अगर वो गोमेद पहनते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होता है। यानी हमारा प्रोफेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नाम में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, अदरवाइज नाम में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं।
तो आइकन ऑफ इंडिया में हमने सरनेम के ऊपर बात की, ऐसे ही कुछ इश्यू के ऊपर हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।